सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला सोलन में पिछले कल 50 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है। जिला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिलावासी भी बेहद जागरूक हो चुके हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है कि उनके पड़ोस में या गांव में कोई बाहरी राज्य से कोई व्यक्ति आया है, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाती है। यही वजह है कि सोलन में कोरोना ज्यादा पांव नहीं पसार पाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वे हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। कोरोना के अगर ज्यादा मामले आते हैं तो उसके लिए और कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि पिछले कल सोलन में 50 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जिसमें से 12 मामले अर्की, 6 मामले सोलन, 23 बद्दी, 2 परमाणु और 7 मामले नालागढ़ के आए थे। उन्होंने बताया कि सोलन में अभी तक 903 मामले कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं, जिसमें से कुछ रोगी ठीक हो चुके हैं और 374 अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोज 300 से लेकर 600 तक कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी भी 2000 लोग निगरानी में रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में बढ़ती कोरोना संख्या के चलते 4 और नए कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ये कल भी 50 मामले आए, जिसमें कि 3 प्राइवेट के थे, 47 हमारे सरकारी इसमें थे। टोटल आंकड़ा 903 हो गया है, और अगर हम एक्टिव के हैं तो 374 हैं। तो जो ये कल केसेस आए थे, इसमें से 12 हमारे अर्की में हैं, 6 सोलन के, 23 बद्दी के, 2 परमाणु के और 7 हमारे नालागढ़ के आए। हमारे आप लगाएं तो 300 से 600 तक रोज के सैंपल हमारे जांच के लिए जा रहे हैं। निगरानी में तो अभी हमारे 2000 के करीब लोग तो चले हुए हैं, और बाकी हमारे इसको हमने करने के लिए कोविड केयर सेंटर्स अपने नए भी इस्टेब्लिश, 4 कोविड केयर सेंटर और नए इस्टेब्लिश करने का करा है, जिसमें कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उनको रखने का प्रावधान किया।